तो ऐसे डालना है, ऐसे फिर से करिए। देखो धीरे, ये छोड़ना है धीरे से, और वो धीरे धीरे लेना है धीरे धीरे। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे 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 ही। हाँ हाँ हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप फोर व्हीलर नहीं चला पाते हैं तो कैसे आपको चलानी सीखनी है। जैसे कि हमारे भाई हैं साथ में, तो अभी ये फोर व्हीलर वगैरह नहीं चला पाते हैं, तो इनको सिखाएंगे और लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे आपको चलानी है, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे गियर वगैरह डालने हैं और कैसे आपको गाड़ी को आगे बढ़ाना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए पहले थोड़ा समझाते हैं, इस साइड आओ पहले। तो क्लच प्रेस करना है और चाबी को घुमाना है, कुछ इस तरीके से की को घुमा लेते हैं। तो गाड़ी हो चुकी है अपनी स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद अपन को डालना है इसमें फर्स्ट गियर, तो ऐसे डालना है ऐसे। तो ये अपना फर्स्ट हो गया, सेकंड अपना को सामने हो गया, मतलब उसी के जस्ट सामने हो गया। तीसरा अपन को डालना है कुछ इस तरीके से, और चौथा डालना है अपन को कुछ इस तरीके से। अपन को पाँचवा वगैरह अभी नहीं डालना है। तो पहले अपन को फर्स्ट गियर डालना है, तो ऐसे डाल देना है। और अपन को धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और एक्सीलेटर लेना है, क्योंकि ये डीजल गाड़ी नहीं है तो इसमें थोड़ा लेना पड़ता है। तो अपन को कुछ इस तरीके से छोड़ना है, ऐसे तो ऐसे छोड़ना है, तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। अभी लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे। तो भाई बैठ चुके हैं, तो इसका पहले हैंड ब्रेक उतारिए अपने ऐसे दबा के, ऐसे। हाँ अब क्लच दबा के स्टार्ट करिए गाड़ी को। हाँ हो चुकी है, अब इसमें फर्स्ट गियर लगाइए। हाँ धीरे धीरे, उसमें थोड़ा एक्सीलेटर भी लेना है और धीरे से अपन को छोड़ना है ये। फिर से स्टार्ट कीजिए। हाँ न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। क्लच धीरे से छोड़ना है अपन को, एक्सीलेटर और धीरे से लेना है अपन को। हाँ लगाइए ऐसे फर्स्ट गियर, फिर से करिए। देखो धीरे, ये छोड़ना है धीरे से, और वो धीरे धीरे लेना है। देखो धीरे से छोड़ना है, झटके से नहीं छोड़ना है अपन को क्लच। हाँ छोड़िए, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे 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 ही। हाँ हाँ ठीक ठीक ऐसे ही, तो ऐसे ही चलाना है। हाँ थोड़ी बढ़ाइए स्पीड, बढ़ाइए थोड़ी और। अब दूसरा गियर डालना है उसी के बिल्कुल सामने अपन को, बिल्कुल ऐसे इसी साइड दबाए हुए। हाँ डाल दो। हाँ ठीक है डल गया। हाँ अब तीसरा गियर डालिए, बिल्कुल जस्ट इसी के सामने डालना है अपन को, बिल्कुल ऐसे और ऐसे ही। हाँ ऐसे ही तीसरा गियर डालना है। चौथा गियर डालिए उसी के सामने। हाँ ये चौथा गियर डालिए। हाँ स्पीड नहीं भगाना है ज़्यादा, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे। हाँ ठीक है, अब थोड़ी कम करो, कम करो, थोड़ी कम करो। सीट बेल्ट की आवाज़ आ रही, तो सीट बेल्ट भी उनको लगा लेना है, फिर ही चलाना है। आप फिर से बढ़ाओ थोड़ी, सीट बेल्ट लगा लो पहले। ये सीट बेल्ट, तो इसको यहाँ पर लगाना है अपन को, जिससे अपनी ये आवाज़ भी ना आए। अब फिर से डालो फर्स्ट गियर ऐसे ही। फिर बढ़ाओ, नहीं धीरे धीरे स्टार्ट करो, फिर से गियर में कर लो, गियर में भी कर। धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ बढ़ चुकी है, तो कुछ इस तरीके से अपन को चलाना है, सीखना है। और अपन को शुरू शुरुआत में क्या करना है कि अपन को थोड़ी चलाना है, फिर खड़ी करना है, फिर गियर डालना है। जैसे पहला डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, फिर चौथा डाला, ऐसा डालना है। पाँचवा अपन को डालना नहीं है। अब दूसरा लगाइए। तो ये दूसरा डल चुका है, धीरे 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 धीरे। मतलब एक झटके से नहीं, अपन को एक्सीलेटर लेना है, थोड़ी उस साइड करो थोड़ी, धीरे धीरे अपन किसी पट्टी के अंदर। हाँ चले चलो धीरे धीरे। और अपन को प्रैक्टिस करना है, अपन को ऐसा नहीं है कि अपन एक दिन चला रहे हैं फिर अपन ने दो चार महीने नहीं चलाई, तो अपन जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपन सीख जाएंगे, ऐसे ऐसे सीखते हैं। तो
अभी भाई चलाने लगे हैं। देखो अभी भाई चला रहे हैं गाड़ी, तो आपको सामने ही देखना है। तो अभी मैंने गियर वगैरह समझा दिया कैसे क्या डालना है। तो ऐसे ही आप भी चला सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं चलाने की, आपके पास कोई कार वगैरह है या कोई की भी कार है, तो आप ऐसे आपको गियर पहले प्रैक्टिस कर लेना है कि पहला कैसे डालना है, दूसरा कैसे डालना है, तीसरा कैसे डालना है, अपनों को देख लेना है, फिर उसके बाद अपन को क्लिच दाब के फिर गियर डालना है। तो ऐसे में आप सीख जाएंगे, बिल्कुल आराम तरीके से सीख सकते हैं, जैसे कि भाई चला रहे हैं, आगे देखना है। और अपन को बार बार जैसे गाड़ी को रुकाना है फिर गियर डालना है, ऐसे करना है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार जैसे अपन ने गियर वगैरह डाल दिए या कोई और गियर डाला है, तो ऐसा भी नहीं करना है। अपन को स्वयं को गियर डालना है और फिर आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में आप सीख सकते हैं।